हे गाइस, वेलकम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टाइलिश ब्यूटीफुली। सो गाइस, हमेशा ही आलिया भट्ट की क्यूटनेस, उनकी लुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, और जब वो प्रेग्नेंट थी तब उनकी प्रेगनेंसी ग्लो को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है। लेकिन हाल ही में उन्होंने 2-3 अपेयरेंसेज दी है मीडिया के सामने, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है। और ये भी एलिगेशन लगा है कि आलिया भट्ट ने की है प्लास्टिक सर्जरी और उनके पूरे फेस के फीचर्स चेंज हो गए हैं, और ऐसा काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। इसका रीज़न भी यही बताया जा रहा है कि प्रोफेशनली उनका काम काफ़ी डिले हो रहा था और उन्हें वेट लॉस करना था, इसीलिए उन्होंने अपने फेस को चेंज करवाया है, स्लिम करवाया है, ताकि वो अपनी बाकी जो मूवी डिले हुई है उनको रिज्यूम कर सके। और अभी भी कश्मीर में है आलिया भट्ट, जिसमें वो अपनी पेंडिंग मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग कर रही है रणवीर सिंह के साथ, और इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी शूटिंग में वापस आने के लिए, अपने आप को स्लिम ट्रिम दिखाने के लिए ये सर्जरीज करानी पड़ी। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनके फेस चेंजेस को देखकर साफ लग रहा है कि आलिया भट्ट ने जरूर अपने फेस पर कुछ करवाया है। इधर काफी लोग ट्रोल कर रहे हैं आलिया भट्ट को, उनके फैंस फुल ऑन सपोर्ट में है कि ये हो सकता है कि आलिया भट्ट की पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस का नतीजा है, जो एकदम से वो इतनी स्लिम हो गई है, उनका फेस स्लिम हो गया है। सो गाइज, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आलिया भट्ट की और लेटेस्ट न्यूज और बाकी बॉलीवुड न्यूज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।